एक कॉमन ये फैक्ट याद करना है, आपको किसी भी क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा, आपको खुद लगाना है रिजल्ट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, प्रोटॉन गिर रहा है, कभी कभी वो कहेगा अल्फा पार्टिकल गिर रहा है, अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेट। अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास नहीं पता, क्वेश्चन सॉल्व करोगे? तो याद कर लो, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 times मास ऑफ प्रोटोन होता है, एंड चार्ज जो अल्फा पार्टिकल पे होता है वो 2 times चार्ज ऑफ प्रोटोन होता है। तो आज के बाद ये क्वेश्चन आएगा, चार्ज और मास क्लियर है? और वैसे ही अगर क्वेश्चन ड्यूट्रॉन पे आया, ये भी आता है, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन, चार पार्टिकल्स आते हैं, तो अगर ड्यूट्रॉन आया तो उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? प्रोटोन के इक्वल होता है ई, और उसके ऊपर जो मास होता है वो कितना होता है? 2 times मास ऑफ प्रोटोन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये आपने याद रखना है। सो